चलिए सरल भाषा में समझते हैं कि बुआ का पुलिंग शब्द क्या होता है, या फिर कह सकते हैं कि बुआ का लिंग बदलो के बारे में आपको अच्छी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम आपको वीडियो शुरू करते ही बता देते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग की मदद से स्त्री और पुरुष में अंतर होता है और लिंग वह होता है जो स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं। और वहीं पर अगर पुलिंग की बात की जाए तो किसी तरह के शब्द के रूप से ही यह पता लगा लिया जाए कि यह शब्द पुरुष जाति का है तो वह पुलिंग कहलाता है। और इसी तरह से अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध मालूम चलता है वह स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि बुआ का पुलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों अगर बुआ के पुलिंग शब्द की बात की जाए तो वह फूफा होगा। यानी दोस्तों एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि बुआ का पुलिंग शब्द फूफा होता है और यहां पर बुआ एक स्त्रीलिंग शब्द होता है और वहीं पर फूफा एक पुलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि बुआ एक तरह की महिला होती है जो कि पिताजी की बहन होती है, मतलब आपके पिता की बहन जो होती है वह आपके बुआ होती है। और वहीं पर बुआ का जो पति होता है वह फूफा होता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि बुआ का पुलिंग शब्द क्या होता है। यानी दोस्तों एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर बुआ के पुलिंग शब्द की बात की जाए तो वह फूफा होगा। यानी दोस्तों एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि बुआ का पुलिंग शब्द फूफा होता है और यहां पर बुआ एक स्त्रीलिंग शब्द होता है और वहीं पर फूफा एक पुलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको बुआ का पुलिंग शब्द वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।